हेलो ब्रांड, मेरा नाम है सागर सिंह और मैं आप आज बताने वाला हूँ कि स्पाइन रोटर ग्रो किस तरह का है। जिस किस्म के स्पाइन में इंजरी हो जाती है हम उसके लिए स्पाइन रोटर इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी टीम है। माय नेम इज अनुराग शर्मा। माय नेम इज रोहित कुमार। माय नेम इज विकास भाटिया। माय नेम इज प्रद्युमन कश्यप। प्रद्युमन को हम आज पेशेंट बनाने वाले हैं। पेशेंट अगर कुछ इस तरह से मिलेगा वो अनकोशन पेशेंट होगा। इसके हमें चेक करना है कि स्पाइन में कहाँ इंजरी है। अगर उसके स्पाइन में इंजरी है तो हमें स्पाइन मोटर ग्रो करना है। उस पेशेंट को हम ग्रो होल्ड करेंगे और उसको चेक करेंगे, कॉर्बेट करेंगे कहाँ पे इंजरी है उसको। और उसके स्पाइन बोर्ड में इंजरी है तो स्पाइन बोर्ड के लिए हम हेड इमोबिलाइजेशन का ग्रो करते हैं। चेक करने के बाद हम पेशेंट को फिर से उसकी पोजिशन दे देंगे, उसको सीधा करेंगे और हम स्पाइन बोर्ड लेके आएंगे। ये हमारा स्पाइन बोर्ड है, इसको नीचे रखेंगे और ये हमारा हेड इमोबिलाइजेशन, इसको हमें निकालना है और स्पाइन बोर्ड को फिक्स करना है। ये अब हेड इमोबिलाइजेशन हमारा फिक्स हो चुका है। इसके बाद हमें करना है पेशेंट को रो बॉक्स से रो रो करना है। रो रो करने के बाद हम पेशेंट को उसकी पोजीशन दे देंगे पलट देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड को फिक्स करेंगे और स्क्रीन पर वीडियो करेंगे, उसके स्क्रीन को बांध देंगे। ये हमारा ये फिक्स हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, हम पेशेंट को पाम का तो ऊपर पाम को ऊपर होने के बाद हम इसको वन हैंड कैरी करेंगे और पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद हम पेशेंट को वहां पर नीचे रखेंगे और उसको रिमूव करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें और घंटी बजाना मत भूलना। ओके, थैंक यू।